खबर इंदौर से, भूमाफियाओं पर होगी बड़ी कार्रवाई। चंदन नगर थाना क्षेत्र में शासकीय भूमि पर अतिक्रमण करने वालों पर रासुका की जा रही। बोले कलेक्टर आशीष सिंह, चंदन नगर कार्रवाई के दौरान करोड़ों की शासकीय भूमि मुक्त कराई। जिन लोगों पर शासकीय भूमि, सेवा भूमि, पट्टे की भूमि पर कब्जे का आरोप, उन पर FIR हो चुकी है। बोले कलेक्टर आशीष सिंह, अब जिम्मेदारों पर रासुका की कार्रवाई की जा रही। अब कलेक्टर आशीष सिंह का एक्शन मोड, अब जमीनी जादूगरों की खैर नहीं, प्रशासन हुआ सख्त। देखिए, निश्चित रूप से जितनी भी सरकारी ज़मीनें हैं, पट्टे की ज़मीनें हैं या फिर सेवा भूमियां हैं, उनको मुक्त कराने का अभियान चल रहा है। चंदनगर क्षेत्र में अभी अभियान चल रहा है, जिसमें कि करोड़ों की ज़मीनें हम लोग मुक्त करा चुके हैं, और साथ साथ इसमें जितने लोग शामिल हैं इस खरीद बिक्री में, उनके खिलाफ़ भी आपराधिक प्रकरण और इवन रासुका की कार्रवाई भी करी जा रही है। इसके साथ साथ अगर अन्य जगहों पर भी इस तरीके की शिकायत पाई जाती है, तो बहुत कड़ी कार्रवाई करी जाएगी। कितनी कीमत की ज़मीनें थी जो मुक्त कराई गई हैं? और देखिए, अभी तक जो पिछले विगत 6-7 दिनों में हम लोगों ने कार्रवाई करी है, लगभग 15 से 20 करोड़ की ज़मीन थी जिसको हमने मुक्त कराया। खबर भारतवर्ष के लिए इंदौर, मध्य प्रदेश से संजय शर्मा की रिपोर्ट। अपने शहर, अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी, फैसला जनतंत्र का।